सो यस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट एनएलसी निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन। गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है फॉर 2024, जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। यस, ऑल इंडिया एलिजिबल है। ट्रेनी की पोजीशन के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके लिए डिप्लोमा, बीई, बीटेक और आईटीआई के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें आपको एक अच्छा सैलरी देखने को मिलेगा और इसमें बंपर वैकेंसी निकाली गई है। इन टोटल 150 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। जॉब लोकेशन की बात करें तो आपको राजस्थान में जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए सबसे पहले जॉब अपडेट पाने के लिए। तो चलिए अब डाइव इन करते हैं वैकेंसी के मेन पीडीएफ पर। यहाँ पर देख सकते हैं एनएलसी इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी है, और पीएसयू में कौन सा, नवरत्ना पीएसयू कंपनी है, इनकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एनएलसी कंपनी का अभी प्रोजेक्ट चल रहा है राजस्थान में। प्रोजेक्ट का नाम है बरसीहर्स एवं बिटनोक परियोजना। इस प्रोजेक्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें आपका जो जॉब लोकेशन होगा बीकानेर राजस्थान में देखने को मिलेगा। जो एनएलसी इंडिया लिमिटेड है, गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी है और मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में आता है, इसी में वैकेंसीज निकाली गई हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। लेकिन टेंशन मत लीजिए, अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसीज हैं, लेकिन आपको इसमें बेहतरीन सैलरी देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं सैलरी आपको 15,000 पर मंथ आपको इसमें सैलरी देखने को मिलेगा। तो अगर आपने डिप्लोमा, आईटीआई या फिर बीई बीटेक कर रखा है और उसके बाद अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अभी जो वैकेंसीज निकाली गई हैं देख सकते हैं, आईटीआई, डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए 1 ईयर का जिसमें आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट है या फिर आईटीआई या फिर बीई बीटेक 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में और 24 में, तो इसमें आप एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं कौन कौन सी ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर हम बात करें आईटीआई के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए 30 वैकेंसी है। इसके बाद फिटर की 20 वैकेंसी है, वेल्डर की 12, हॉर्टिकल्चर की 8 है, वायरमैन की 6 है, प्लम्बर की 5, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन की 3, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 2। इस प्रकार से टोटल 86 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपको स्टाइपेंड की बात करें तो 10,019 रुपये आपको पर मंथ स्टाइपेंड देखने को मिलेगा, जो कि किसी अदर पीएसयू कंपनी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। डिप्लोमा टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की बात करें, तो अगर आपने डिप्लोमा किया है फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में, तो 3 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 15 है, मैकेनिकल की 15 है, सिविल की 2 है, माइनिंग की 5 है, माइन सर्वेइंग की 2 है। इस प्रकार से टोटल 42 वैकेंसी निकाली गई है और इसमें जो आपको पर मंथ सैलरी मिलेगा वो 12,524 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वैकेंसी है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की, जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, फायर एंड सेफ्टी, माइनिंग, ये सभी ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 31 वैकेंसी निकाली गई है और इसमें जो आपको सैलरी मिलेगा 15,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें सैलरी देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में नॉन इंजीनियरिंग की भी वैकेंसी है। बीकॉम वालों के लिए 2 है, बीबीए के लिए 2 है और इसमें भी जो आपको सैलरी मिलेगा 12,500 रुपये आपको इसमें सैलरी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप आईटीआई अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आईटीआई होना चाहिए एनसीबीटी से। डिप्लोमा होल्ड, अगर आप डिप्लोमा होल्डर है टेक्नीशियन की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग ब्रांच में, जो भी ब्रांच वहां पर दिया है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और जो कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड हो। ठीक है, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की बात करें फुल टाइम आपके पास बीई बीटेक होना चाहिए, और ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग की बात करें तो फुल टाइम आपके पास बीकॉम या फिर बीबीए होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। तो एज लिमिट की बात करें तो आपका एज जो है मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, और आपके पास जो भी डिग्री या डिप्लोमा है वो 2020, 21, 22, 23, 24 के पास, 24 तक का होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो देख सकते हैं मेंशन किया गया है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ राजस्थान आर ओनली एलिजिबल। तो अगर आप राजस्थान के स्टेट के हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग मतलब कि कैटेगरी में वैकेंसी दिया गया है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है ये आप लोग देख लीजिएगा। और रूल के अकॉर्डिंग आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, और जो आपका इसमें कुछ वैकेंसी जो है वो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन के लिए है, इसमें आर इंडिया एलिजिबल है श्योर है, लेकिन कुछ वैकेंसीज है इसमें 40% स्लॉट जो है वो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन में, यानी कि प्रोजेक्ट में जिनका जमीन चला गया है उनके लिए है। ठीक है, बाकी 40% ही है, बाकी 60% जो वैकेंसी है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए है, वो एलिजिबल होंगे। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो डिप्लोमा, आईटीआई, बीई, बीटेक में जो आपने मार्क्स गेन किए हैं उसी के बेस पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा, कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होगा।
यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले आपको इसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अप्लाई करने के बाद आपको उसका प्रिंटआउट ले लेना है। इसके बाद प्रिंटआउट के साथ यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट को एक सेल्फ असिस्ट करके आपको यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस दिया गया है। इस एड्रेस पर बाई पोस्ट 30 जून के पहले आपको इसको सेंड कर देना है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट इसमें यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा 6 जुलाई को। और इसके बाद यहाँ पर जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका नाम डिस्प्ले किया जाएगा 15 जुलाई को। और इसके बाद जो डेट आप ज्वाइनिंग की बात करें तो जुलाई के लास्ट वीक तक आपको ज्वाइनिंग भी देखने को मिल जाएगा। और जो वैकेंसी है इसमें 10 जून से अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। 23 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपका हार्ड कॉपी जो बाई पोस्ट सेंड हो जाना चाहिए 23 जून के पहले ही। ठीक है, तो ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं जरूर से अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।